वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार सुखविंदर सिंह ग्रंथी पिंड सदा रंग के रहने वाला हाँ। मेरे ही पिंड सदा रंग विच अज जदों मैं मेरा पुत्र रणजोत सिंह सुबह सवेरे सेवा करके घर गया, 7:30 बजे होर सेवादार नाल से घर गए ने। उस तो बाद 8:30 बजे साढ़े पिंड का एक मुंडा करणदीप सिंह जिसमें गुरु महाराज की बेनती की है, एक अंग जो 1029 अंग ते आ वो सफा अंग पन्ना पाड़ दिता। सो उस तो बाद साढ़े सारे प्रधान साहब होर नगर निवासियों पता लगा, सब इकट्ठे हुए ने, डीसी साहब आए, अफसर आए ने, उस पत्रकार भी आए ने, यह सब कारोबारी हुई है। तो साढ़े गुरद्वारा साहब कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट आ चुका वा। तो उसने मंजूरी भी कर लिया कि मेरे को गलती है कि मैं पाड़ दिता। सो हुण वो बच्चा थाने आ, तो असी गुरु ग्रंथ साहब जो श्रोमणी कमेटी वाले मैंबर साहब साढ़े को आए ने, पहुँचे ने। आप ग्रंथ साहब लैके श्रोमणी कमेटी दरबार साहब अमृतसर चले हाँ, उत्थे जमा करा के आना वा। उस तो बाद बदली करा कि उम्र सी बच्चे की उम्र कोई 13-14 साल के बच्चे सी, 6वीं क्लास में पढ़ता बच्चा, 13-14 साल की उम्र आते पिंड का रहने वाला वा। पता नहीं मन में की गल आई की नहीं, इस करके उन्हें बेबदी कर दी है। तो गुरद्वारा साहब तो थोड़ा ही सड़क के लागे घर उन्हों का, कोई 10 घर साढ़े को घर आता गुरद्वारा साहब तो। इस करके बेनती आ कि जो भी कार्रवाई पुलिस करे, पिंड वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी पुलिस वाले पिंड बच्चे दे वल्लों बेइज्जती करनी कितना का सही है तो गलत आ, क्योंकि बच्चा जो 13-14 सालों का जो सोचिए जानिए तो अपनी मर्जी ना नहीं कर सकता। हो सकता किसी ने कराई भी हो, लालच दिता हो, हो सकती है। क्योंकि 2-3 बारी पहला मारे दे अंग इधर उधर फोले ने, फिर गोल के भी हाथ मारे ने, प्रसाद में भी थुकया गया, तो तीजी बार आन के तो अंग में पाड़ दिता, तो अंग उत्थे रख दिता दर ग्रंथ साहब वेची। असी उस वे घर सी, तो जो आप गुरद्वारा साहब बंद कर गए तो वह बच्चा सू गुरद्वार साढ़े भटंगी मिलया भी है, टकरिया भजाऊ का गुरद्वार शक के तौर पर मुंडे ने वेख्या वा, रुमाला साहब लत्था हुआ सी अद्धा क, तो जो सारा चुक के वेख्या अपनी मम्मी नाल खड़ के, तो ग्रंथ साहब का एक अंग जोड़ा वो फटिया होया सी। किन्ने बजे टाइम सीगा जदों? 8:30 बजे का टाइम सी। उस टाइम गुरद्वारा साहब कोई नहीं, तो 9:45 बजे के करीब मुंडा गुरद्वारा साहब गया वा, तो 8:30 बजे का पाड़िया वा, तो 9:45 बजे दिन 10-15 मिनट के ही सब कुछ हो गया। क्योंकि साढ़े चाह तो लंगर लगता सवेरे सवेरे, 7:30 बजे भांडे बर्तन साफ करके चाह छका के, तो सेवादार घर में चले गए ने, फिर आप चंगी ग्रंथी वह भी घर चल गया। तो उस तो बाद संगत भी आन डी वा, उस टाइम के फिर संगत नहीं कोई आई, तो ये काम हो गया जी। सवेर का टाइम है, अमृत वेल का टाइम है, ये 8:30-9 के काम होगा। हाँ जी, कोई नहीं, गुरद्वारा खाली कोई नहीं। लखविंदर कौर है पाठी उ पाठ करदे हुंदे ने, जाता हों मत्था टेकन किसी वेले, तो 4 बजे भी चल जाता हों, किसी वेले नहीं भी जाता हों, अड़ी पर अपनी आई पर मतलब जाता हों, 6वीं पढ़ता वा। हरकत शतानी शतूनी तो बतेरी करता वा, इदा शतानियाँ मतलब अगे एक गड्डी जी का शीशा तोड़िया ही खरे स्कूल आते ने, पता नहीं वो भी पैसे थोड़े बहुते भरे। तेल भी जी कि लवा ना लवा सिर, तो मैं टोनी लाई ओदा, मैं 2-4 चपेड़ा छुटिया, ये गल का तो सानू बाद मतलब पता लगा।
ਯਾ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਦੋਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਹੀ ਗੋਦ ਲੈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਈ रोटी दई जाई रब तरसी ना मान आया जी सानू पिंड सदा रंग तो टेलीफोन आया सीगा ग्रंथी सिंह सुखविंदर सिंह दा ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਰਨ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 11-12 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਕਰ